Hello students, now we are starting numericals on pressure in fluids and atmospheric pressure. Question number 9 में फिर एक hydraulic machine है जिसमें ratio of the cross section area of the master cylinder and wheel cylinder दिया हुआ है A1 upon A2. ये ratio हमको पता लगाना है और applied force उस पर हैं smaller force और larger force दोनों दिए हुए हैं. हमने मान लिया F1 जो है फोर्स है 15 न्यूटन और F2 फोर्स है 0.5 न्यूटन और एरिया A2 is to A1. अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो हमने फॉर्मूला लिख दिया F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. उसमें वैल्यू प्लेस कर दी 15 upon 0.5 is equal to A1 upon A2. तो रेशियो आ जाएगा A1 is to A2 is equal to 30 is to 1 और A2 is to A1 is equal to 1 is to 30. जिस भी फॉर्मेट पे पूछा जाए आप वो आंसर निकाल के बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें एरिया ऑफ पिस्टन दिए हुए हैं 5 cm² and 625 cm², तो हमने A1 एरिया मान लिया 5 cm², इसको मीटर स्क्वायर में बदला 5 upon 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर. लार्जर एरिया 625 cm² को भी मीटर स्क्वायर में बदला 625 upon 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर. हमको लार्जर फोर्स 1250 न्यूटन गिवन है और स्मॉलर फोर्स F1 कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला लिखा F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. इसमें वैल्यू प्लेस करिए F1 upon 1250 is equal to 5 upon 10 to the power 4 होल अपॉन 625 upon 10 to the power 4. यू विल गेट फोर्स F1 is equal to 10 न्यूटन अप्लाइड. क्वेश्चन नंबर 11 में एक बॉटल के नेक और बॉटम का डायमीटर दिया हुआ है 2 cm and 10 cm. स्मॉलर डायमीटर नेक का 2 cm है और लार्जर डायमीटर बॉटम का 10 cm है और इसको ऑयल से भर दिया गया और उस पर प्रेस करके नेक पे कॉर्क को लगाया गया. तो उसके लिए जो फोर्स अप्लाई होता है वह 1.2 kgf होता है. तो पूछा जा रहा है कितना फोर्स बॉटम पे एग्जर्ट होगा. अब देखिए डायमीटर को यहाँ पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे और रेडियस से हम एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर यूज करके. तो डायमीटर D1 2 cm मान लिया, स्मॉलर डायमीटर तो रेडियस R1 is equal to 1 cm. तो एरिया स्मॉलर एरिया A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर यानी पाई इंटू 1 square cm². ऐसे ही डायमीटर D2 10 cm तो रेडियस हो जाएगी 5 cm उसकी आधी. तो एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, उसमें वैल्यू रख दी पाई इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 25 πcm². अब फोर्स F1 दिया हुआ है 1.2 kgf, तो F2 लार्जर फोर्स निकालना है. वैल्यू प्लेस करिए F1 upon F2 is equal to A1 upon A2 में. तो 1.2 upon F2 is equal to π into 1 upon π into 25. पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे. सॉल्व करने से F2 मिलेगा 30 kgf. और ये जो सिस्टम है ये लॉ ऑफ पास्कल्स पे यानी कि पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक हाइड्रोलिक मशीन है जिस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है F1. हमने मान लिया 50 kgf का फोर्स है. फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए हमको दूसरा फोर्स जो प्रोड्यूस होगा लार्जर फोर्स वो निकालना है. और क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द मशीन दिए हुए हैं पिस्टन के D1 is equal to 5 cm and D2 is equal to 25 cm. तो सबसे पहले D1 5 cm से रेडियस निकाली R1 5/2 cm, उससे एरिया निकाला 25/4 πcm². अब हम दूसरा डायमीटर 25 cm है उससे रेडियस निकालेंगे 25/2 cm, इससे एरिया निकालेंगे A2 is equal to πR2 square is equal to π into 25/2 whole square यानी कि 625 upon 4 πcm². अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. इसमें वैल्यू प्लेस करिए 50 upon F2 is equal to π into 25/4 upon π into 625 upon 4. इसको सॉल्व करके फोर्स आ जाएगा F2 is equal to 1250 kgf. क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दो सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं जिनमें पिस्टन ए और बी हैं. इनका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया A1 है 8 cm² और A2 है 320 cm², और इस पर एक मास अप्लाई हो रहा है 4 kg का पिस्टन ए पर. तो अगर हम प्रेशर ऑन द पिस्टन ए निकालना चाहें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स हो जाएगा मास से mg यानी 4 × g. kgf में हमें निकालना है तो हम g की वैल्यू नहीं लिखेंगे. अपॉन एरिया है 8 cm², तो ये बन जाएगा 0.5 kgf cm - 2.
सेकेंड पार्ट में प्रेशर ऑन द पिस्टन भी निकालना है, तो हम सेम प्रेशर ऑफ 0.5 kgf एग्जर्ट करेंगे पिस्टन बी पर भी। थर्ड पार्ट में हमको थ्रस्ट ऑन द पिस्टन बी निकालना है, तो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए, प्रेशर है 0.5 और एरिया 320 गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 160 kgf। 14 में फिर एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें उसके पिस्टन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के पिस्टन पे एक फोर्स लगाया जाता है 150 न्यूटन का, तो पूछा जा रहा है लार्जर पिस्टन से कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो A1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यूनिट को चेंज किया 2/10⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया A2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट को चेंज किया 12/10⁴ मीटर स्क्वायर। F1 हमको फोर्स निकालना है और F2 फोर्स 150 न्यूटन दिया हुआ है, तो F1/F2 इज इक्वल टू A1/A2 लिख दिया। तो F1/150 इज इक्वल टू 2/10⁵ होल अपॉन 12/10⁴, तो F1 आ जाएगा 25 न्यूटन।